हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बना रहे हैं आपके लिए भंडारे वाली सब्ज़ी, क्योंकि भंडारे वाली सब्ज़ी सबको बहुत टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने आलू बॉईल करके लिए हैं, इसके लिए हमने 3 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं बड़े बड़े, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, 5-6 कलियाँ लहसुन की डाली हैं, मिर्चें 3 मिर्च लिए हैं। आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हो, मसाले अपने हिसाब से टेस्ट से डालें। को आप लोग मिर्च तेज खाते हो तो मिर्ची और बढ़ा सकते हो। ये मैंने लहसुन अदरक और प्याज चॉप कर लिया है। देखो दोस्तों, इसको चाकू से मत काटें, हाथ से फोड़ें, ऐसे ज़्यादा टेस्टी बने। हमने टमाटर की प्यूरी कर ली है। हमारा तेल गर्म हो गया, मैं 1 चम्मच जीरा डाल रही हूँ। देखो जीरा क्रैकल हो गया है। अब मैं इसमें प्याज लहसुन अदरक सब डाल, देखो दोस्तों हमारा प्याज ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें सब मसाले डाल, मैंने 1 चम्मच छोटा नमक डाला है। मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैंने हरी मिर्च डाली है, इसलिए मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डालूंगी। इससे कलर अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी डाली है। हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें टमाटो प्यूरी डालूंगी। आप इसको पूड़ी के साथ, पराठे के साथ, जैसे भी आपको अच्छा, चावल के साथ कैसे भी खा सकते हैं। मैं ग्रेवी वाली बनाऊंगी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसको मैं ऑयल निकलने तक भूनूंगी, जब तक इसका तेल बाहर नहीं आएगा तब तक मैं मसाला भूनूंगी। और इसको मैंने सरसों के तेल में बनाया है। सरसों का तेल बहुत हेल्दी होता है, आप भी सरसों के तेल में बनाएं, बहुत टेस्टी बनती है और बहुत हेल्दी होता है। देखो मेरा मसाला का कलर कितना अच्छा है। 2 चम्मच मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, 1 चम्मच मैं गर्म मसाला डालूंगी इसमें। और मैंने खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डाले हैं, तेज पत्ता, मोटी इलायची वगैरह कुछ नहीं डाली हैं, क्योंकि उससे सब्ज़ी बहुत हैवी बनती है, खाने में इतना मज़ा नहीं आता जितना ऐसे सिंपल खाने में मज़ा आता है। आप इसको कैसे भी खाएं, मज़े लें, और एक बार ट्राई करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको मेरी बनाई हुई सब्ज़ी और रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। टाटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल। देखो दोस्तों, हमारे मसाले का तेल निकलना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें आलू डालूंगी। मैं ज़्यादा मसाले हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ज़्यादा मसाले नहीं खाने चाहिए। ये मैं इसमें आलू डालूंगी, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूनूंगी मैं। थोड़ी देर भूनने से सब्ज़ी का टेस्ट और बढ़ जाता है, अब बहुत टेस्टी लगती है। देखो कितना सुंदर टेस्ट आया। आप इसको सूखी भी बना सकते हैं पूड़ी के साथ, गिल्ली भी बना सकते हैं, तरी वाली भी बना सकते हैं। कोई लोग ग्रेवी कहते हैं, कोई लोग तरी कहते हैं। देखो कितना सुंदर कलर आया है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने 2 गिलास पानी डाला है। अगर आप ज़्यादा पतली खाते हैं या आपको ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हैं। देखो हमारी सब्ज़ी का कितना सुंदर कलर आया। हमने कश्मीरी मिर्च भी नहीं डाली है। देखो कितना सुंदर कलर आया है। आपकी सपोर्ट के लिए थैंक यू। देखो दोस्तों, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके साथ हमने पूरी भी बनाई है, खा के बताना कैसी बनी है। देखो ज़्यादा गाढ़ी सब्ज़ी मत बनाना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये बहुत गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हमने इसकी ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी है। बाय।